अज अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मौके अमृतसर ट्रैफिक पुलिस संस्थान केंद्र स्टाफ और एनसीसी कैडर के सहयोग की जागरूकता मार्च अमृतसर के छेहटा रोड तो पुलिस लाइन तक कढ़िया गया। इस विच एनसीसी कैडर वालों हाथों में बैनर फड़ के नशा विरोधी स्लोगन लिख के लोगों को नशे से बचने की अपील की ताकि देश के भविष्य में नशे के कोट से दूर रखा जा सके। इस संबंधी गलबात करते हैं सांझ केंद्र के इंस्पैक्टर परमजीत सिंह, राजविंदर कौर ASI सांझ केंद्र और लैफ्टिनेंट सुखपाल सिंह संधु ने दसा कि अज अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के मौके नौजवान पीढ़ी और बच्चों नशे के कोट तो दूर रखन और उन्होंने जागरूक करने संबंधी अज अमृतसर ट्रैफिक पुलिस सांझ केंद्र स्टाफ NCC कैडर के सहयोग के सदका एक जागरूकता मार्च अमृतसर के छेहटा रोड तो पुलिस लाइन तक कढ़िया गया है। मेरा नाम इंस्पैक्टर परमजीत सिंह, मैं जिला सांझ केंद्र का इंचार्ज हूँ। सांझ केंद्र का मतलब है कि पंजाब के पुलिस का आपसी कोऑपरेटिव, ठीक है। सो असी अपनी ड्यूटी के नाल नाल होर यह एक्टिविटीज़ साड़ियाँ चलदिया रहिंदियां ने। अज जिस तरह के 26 जून का दिन आ एंटी नैशनल इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे, अज असी एक विशेष उपराला किया वा सांझ केंद्र और ट्रैफिक पुलिस जरा और अज साडे नाल NCC फर्स्ट बटालियन पंजाब के बच्चे उन्होंने नाल ऑफिसर आए हुए हैं और असी अज के दिन क्योंकि नशा एक बड़ी वड्डी बुराई है और असी इनू नशियां नू रोकण वास्ते अज आम पब्लिक में एक बच्चे जोड़े आ बच्चों के थ्रू तुहाडे माध्यम राही असी एक मैसेज दे रहे हैं कि नशियां की बुराई तो बचो। अगर कोई बंदा तुहाडे आस पास कोई नशा करता वा, पता लगता कि कोई बंदा असली एक्टिविटी कर रहा वो बारे पंजाब पुलिस ने सूचित करना। असं अज इतों लैके तो असं पुलिस लाइन तक डांस रोड के पुलिस लाइन तक ये मार्च करा उत्थे क्योंकि एक पंजाब पुलिस के नवी रिक्रूटमेंट आई है वो बारे बच्चों अज असी ट्रेनिंग भी देनी है उत्थे जी नवी रिक्रूटमेंट्स है कि किस तरह बच्चों ने अपनी फिजिकली किस तरह तैयार करना। मेरा नाम जी लैफ्टिनेंट सुखपाल सिंह संधु, 1 पंजाब बटालियन NCC अमृतसर। सो अज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के उत्ते असी इत्थे रैली कढ़न जा रहे हैं और इस तो अलावा अवेयरनैस जिहड़े लोगों नूं करन लई अवेयर करन लई बच्चों ने पोस्टर जिहड़े बनाए हुए हैं और इस तो अलावा लैक्चर भी होणगे और जिहड़ी रैली है इत्थों स्टार्ट हो के नॉवल्टी चौंक दे उत्तों सिविल लाइन और पूरे एरिए दे विच जिहड़ा अपने इहदे च कढ़ी जाएगी और लोगों नूं अवेयर किया जाएगा कि नशे की जिहड़ी भयानक बीमारी आ उहदे तों अपने आप नूं अते अपने जिहड़ा समाज नूं बचाउणा आ क्योंकि हरेक छोटा परिवार समाज ना जुड़िया हुआ और समाज जिहड़ा साडे जिले ना स्टेट ना नागरिकां ना जुड़िया हुआ। सो ये बड़ा तगड़ा उपराला पंजाब पुलिस का कमिश्नर अमृतसर का कि उन्होंने ये हर साल की तरह इस वाली उपराला कर रहे हैं और साड़ी 1 पंजाब बटालियन NCC अमृतसर के बच्चे जिहड़े कि अलग अलग स्कूल कॉलेज रिलेटड ने वो लोगों को अवेयर करने लिए इन्हां नाल सहयोग देते हैं। चार्ट कंपीटिशन होंगे ने, भाषण मुकाबले बच्चों से करवाए जाते हैं और अज जिहड़ा रैली जिहड़ी कढ़ी जा रही है लोगों को अवेयर करने लिए कि जिहड़ी नशा बीमारी है इहनू बंद की अपने समाज चो कढ़िया जाए ता जो साडा समाज जिहड़ा तंदुरुस्त समाज बन सके और इस करोना नाम बीमारी जो अजकल चल रही है सो इस दौर के नशा बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि शरीर लिए जहर है जेकर कोई नशा करता है। सो अवेयरनैस फैलाने लिए पंजाब पुलिस के नाल NCC वाले बच्चे ये मिल के जी उपराला कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਪੀੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। आवाज़ कॉम TV ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।